हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी ब्लॉगर पूजा। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और यहाँ मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ब्लाउज कलेक्शन का वीडियो। ये पार्ट वन है, समझिए। मेरे पास बहुत सारे ब्लाउज हैं जिसकी डिज़ाइन बहुत अलग अलग है और मुझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपने ब्लाउज कलेक्शन का वीडियो शेयर कीजिए। तो फाइनली आज मैं ब्लाउज कलेक्शन का वीडियो शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना ब्लाउज कलेक्शन। तो सबसे फर्स्ट मेरा ये रेड कलर का ब्लाउज, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन में है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये किसी भी साड़ी के साथ चल जाता है। कोई भी ट्रेडिशनल साड़ी में अगर रेड बॉर्डर है तो मैं इसे पहन लेती हूँ। थोड़ी सी पॉम्पम की वर्क कराई है कुछ इस तरीके से और सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगता है। पीछे से वी नेक है और सामने से गोल गला में है। ये इस तरीके से मैंने स्टिच कराई हुई है इसको। और इसकी जो स्लीव्स है मैंने कुछ थोड़ी सी फ्रिल टाइप की करवाई है, हल्की फ्रिल करवाई है, जिसमें ये सिंपल सा एक लेयर सा फ्रिल आया हुआ है। ये देखिए आप लोग, मैंने जब इसे वियर किया था उस टाइम की फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। आप लोग देख लीजिएगा कि ये मेरे पे कैसे लग रहा था। और अगर आप लोग भी इस टाइप की ब्लाउज सिलवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसका पिक ले लीजिए और आप अपने टेलर से ऐसे स्टिच करवा सकते हैं। मैं हुक लगी हुई है, ज़्यादातर मैं पीछे हुक वाले ब्लाउज़ को अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो पहनने में प्रॉब्लम करता है। और अगर आप पतले दुबले हैं तो प्रिंसेस कट ही करवाएं, बहुत ही सुंदर सा फिटिंग आता है और बहुत ही अच्छा लुक आता है। प्रिंसेस कट में बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो ये ब्लाउज़ तो मेरा बहुत ही अच्छा है। गर्मी के टाइम पे ऐसे फ्रिल वाले जो स्लीव्स होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल वाला ब्लाउज़ है जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। आप ऐसे सिलवा सकते हैं। ये तो मेरा फर्स्ट हो गया। उसके बाद मैं आपके साथ सेकेंड ब्लाउज़ शेयर करती हूँ जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया हुआ था। ये जो है ये मेरी कॉटन की साड़ी है, मैंने इसे फुल हाई नेक बनवाया है। ये फुल हाई नेक है, प्रिंसेस कट पे है और इसमें अम्ब्रेला टाइप्स की कट, जो फ्रॉक वाली कट आती है ना, उस टाइप से मैंने स्लीव्स लगवाई हैं। ये बहुत ही सुंदर है। ये देखिए टू लेयर्स में हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बैक डिज़ाइन को मैंने कुछ इस तरीके से रखवाया हुआ है। आप अगर पिक लेना चाहें तो ले लीजिए, आप अपने टेलर से बोल के आप इस तरीके से इसे सिलवा सकते हैं। देखिए, और इसमें जो है ना हुक वाली नहीं है, ये साइड चैन वाली है, साइड से चैन है। ये देखिए साइड से चैन है इसमें। तो ये बहुत ही अच्छा फिटिंग आया है साथ साथ में और ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुक देता है आपके कॉटन साड़ी को। आप जब भी कॉटन साड़ी लेना तो थोड़ा बहुत यूनिक सा ब्लाउज सिलवाएं तो बहुत ही अच्छा लुक देता है, क्योंकि कॉटन साड़ी क्या होती है, हमेशा सिंपल होती है। बहुत यूनिक सा अगर आपको बहुत क्लासी सा लुक बनाना है तो आप अपने ब्लाउज़ पर वर्क करें, ब्लाउज़ पे के डिज़ाइंस पर वर्क करें। इसमें फ्रिल बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर मैं पिक लगा दूँगी कैसे लगती है ये साड़ी। से यहाँ पे फ्लावर बना है जो कि बहुत ही एलिगेंट सा लुक लगता है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ब्लाउज है जो कि सिंपल जॉर्जेट की साड़ी थी, जिसमें ये जो मेरी साड़ी है जॉर्जेट की साड़ी, तो मैंने कुछ इस तरीके से सिलवाया था। फुल हाई नेक यहाँ तक आता है नेक और यहाँ पे कुछ बटन स्टक करवाए थे जो बहुत ही एलिगेंट सा लुक देता है। और यहाँ पे छोटे छोटे कट डले हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और पीछे जो है फुल राउंड नेक, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दिया हुआ है। और अगर आप ऐसा ब्लाउज़ सिलवाना चाहते हैं तो प्लीज़ पिक ले लीजिए और मैं आप लोगों के साथ साइड बाय साइड ये साड़ी मैंने वियर की थी तो मुझ पे कैसी लग रही थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो स्लीव्स है ना, मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की थी, क्योंकि ये जॉर्जेट की साड़ी थी मेरी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट साड़ी थी, मीशो की साड़ी थी। आप लोगों के साथ मैंने इसका वीडियो शेयर किया हुआ है, आई बटन पर डाल दूँगी, आप लोग जाके चेकआउट भी कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। ये साड़ी कलेक्शन जो है
या मीशो की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जॉर्जेट की साड़ियाँ हैं, बहुत ही अच्छा लुक देती है और बहुत ही क्लासी लुक भी लगता है। तो मैंने यहाँ पे क्या थोड़ा सा फ्रिल डलवाया है स्लीव्स पे, और ये क्या है गर्मियों के लिए स्पेशल मैंने स्टिच करवाया था, तो गर्मियों के हिसाब से आपको बहुत टाइट टाइट से स्लीव्स पसंद नहीं आते, तो मैंने इसे पूरा फ्रिल रखवाया है। बहुत ही अच्छा सा बटरफ्लाई वाला लुक देता है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और आप ये बहुत कंफर्टेबल है। और ये भी जो है ना साइड चैन वाला सिला हुआ है जो कि मुझे अगेन बहुत पसंद आया। साइड चैन इसलिए बनाना पड़ता है जनरली अगर आप पीछे भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन डलवा रहे हैं और सामने भी बहुत डिज़ाइन डलवा। अगर मैं इस ब्लाउज़ पे सामने हुक देती तो ये बटन्स के जो लुक आया है ना वो नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ पे साइड चैन पे यूज़ हुआ है ये। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ब्लाउज़ जो कि बहुत ही क्लासी सा लुक है और बहुत लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था। ये साड़ी भी मीशो की है, जॉर्जेट की साड़ी है। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से रफ़ल लगवाए थे इस पे, इस ब्लाउज़ पे कुछ इस तरीके से रफ़ल लगवाए थे। आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं साइड में पिक भी लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को ऐसी ब्लाउज़ स्टिच करवानी है तो आप स्टिच करवा सकते हैं। यहाँ पे क्या है थोड़े से बटन मैंने पूरा हाई नेक सिलवाया हुआ है। हाई नेक पहनने से मुझे कंफर्टेबल लगता है, साथ ही साथ मुझे बहुत ज़्यादा डीप नेक पहनना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से सिलवाए। यहाँ पे कुछ बटन के डिज़ाइन दिए हुए हैं और यहाँ पे मैंने हल्का सा फ्रिल लगवाया हुआ है, और ये भी गर्मियों के लिए था तो मैंने इसे फ्रिल टाइप के वर्क में इसकी अस्तिन निकलवाई हुई है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई है। और ये पीछे से कोई भी डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, मतलब आप इसे बोट नेक की तरह ले सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आप इस तरीके की भी ब्लाउज़ स्टिच करवा सकते हैं, और मैंने वियर किया हुआ है तो ये कैसा लगा हुआ है आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप स्टिच करवाना चाहते हैं ऐसा ब्लाउज़ तो आप इसकी पिक ले लीजिए, आपका टेलर सिल देगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगता है, और आप जब भी ब्लाउज़ स्टिच करवाना तो आप अपने कंफर्टेबल को ध्यान में रख के स्टिच करवाएं तो आपको बहुत ही इजी से वियर होगा, आपको साड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगेगी, सिंपल भी साड़ी बहुत ही अच्छी लगनी लगेगी। और नेक्स्ट हमारा ब्लाउज़ है ये वाइट कलर का ब्लाउज़ है, इसकी बहुत ही ब्राइट कलर की साड़ी है, इसमें मैंने अपना मेकअप लुक भी निकाला हुआ है जिसे बहुत पसंद किया गया है। और ये जो है ना इसकी स्लीव्स जो है बलून स्टाइल पे है जो कि अगेन बहुत ही अच्छी लगी है, ये देखिए। और अगर आप लोग ऐसा ब्लाउज़ स्टिच करवाना चाहते हैं तो आप लोग पिक ले लीजिए, पिक नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने हर बार पिक बोला हुआ है। मेरे कहने का मतलब रहता था कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जिससे कि आप अपने टेलर को बता सकते हैं कि हमें इस तरीके से ब्लाउज़ स्टिच करवानी है। और इसका जो बैक डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से है, यहाँ इस तरीके से कट है और यहाँ पे फ्लावर अटैच किया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा सा लुक देता है, जो बहुत ही अच्छा सा लुक देता है। और इसकी साड़ी बहुत ही ब्राइट कलर पे है तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। और मैंने वियर किया हुआ था, ये कैसा लग रहा है आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोग मेरी ये ब्लाउज़ कलेक्शन की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा कौन सा ब्लाउज़ डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हुआ है। और लास्ट में मैं आपको ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही सुंदर सा है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। सारे ब्लाउज़ में से बता सकूँ ना तो मुझे ये ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है, बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल सी साड़ी है इसकी, बस ये बॉर्डर है और प्लेन साड़ी है, ये देख लीजिए ग्रीन कलर की इसकी मैंने सिंपल सी सिलवाई हुई है। सामने हुक है इस पे और ये देखिए इस तरीके से नेक बनवाया हुआ है, ये स्लीव्स कुछ इस तरीके से है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आपको समर के सीज़न में बहुत ही कंफर्टेबल ब्लाउज़ सिलवाना है तो आप फ्रिल वाला या फिर इस तरीके से सिलवा सकते हैं। इसका भी पिक मैं यहाँ पे आप लोगों को लगा दूंगी तो आप लोगों को उससे क्या होगा, बहुत ही ईजी होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।